सो ही गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यार आज हम करने वाले व्हाइट टोन वाली फोटो एडिटिंग, कुछ इस तरह की आपके साइड में आ रही होगी इधर। तो यार इस फोटो को एडिट करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप, वीडियो को देखते रहना और बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो को। और जो प्रीसेट और जो पीएनजी मैं इसमें यूज़ करूंगा उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। तो यार वीडियो करते स्टार्ट, टाइम वेस्ट ना करते हुए। आपको ओपन करना अपना लाइट रूम एप्लीकेशन, ठीक है, और इस प्रीसेट को यहाँ पे ले लेना। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आगे डाउनलोड कर लेना इसको। तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना, नीचे करना कॉपी सेटिंग, यहाँ पे डन करना है, बैक आना है। देन आपकी फ़ोटो जिसमें आपको इसको लगाना है उसको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ पे करना पेस्ट सेटिंग। तो एक क्लिक में आपकी फोटो एडिट हो जाएगी, देख सकते हो बिफोर आफ्टर। बाकी आप इसके अंदर मैनुअली भी सेटिंग कर सकते हो, जैसे इसका फेस का कलर है तो यहाँ पे जाएंगे इसमें हम कलर्स में, या मिक्स टूल में जाएंगे, ये ऑरेंज कलर है, इसका स्किन का कलर है, इसका ल्यूमिनेंस को थोड़ा कम कर सकते हैं इस तरह से, इस तरह से इतना आप अपने हिसाब से रख सकते हो। यहाँ पर डन कर देंगे, आगे चलते हैं। यहाँ पे क्लैरिटी, इसकी क्लैरिटी बढ़ाएंगे थोड़ी सी इस तरह से, थोड़ी शार्पनेस से यहाँ पे ऐड कर लेना, बस देख सकते हो अच्छी तरह एडिट हो चुकी है। आपको इसको दूसरी फोटो के अंदर भी इसको ऐड कर सकते हो, जैसे मैं दूसरी फोटो लेता हूँ इसके अंदर भी आप देख सकते हो। यहाँ पे पेज सेटिंग करेंगे इसको भी, तो देख सकते हो पूरी एडिट हो चुकी है फ़ोटो। इसका भी हम मिक्स में जाके ऑरेंज कलर, जो इसका स्किन का कलर है, इसकी ल्यूमिनेस कम कर देंगे हल्की सी इस तरह से, सेचुरेशन कम करके ल्यूमिनेस बढ़ा देंगे हल्की सी इस तरह से, ल्यूमिनेस से इसका चेहरा वाइट हो जाएगा पूरा इस तरह से, इस तरह से डन कर देना है। आगे जाके तो टेक्सचर बढ़ाना है इसका, क्लैरिटी भी हल्की सी बढ़ानी है, डीजल का सा बढ़ाना है, और हल्की सी शार्पनेस इसमें ऐड कर लेनी है। आप डिटेल्स भी थोड़ी बहुत ज़्यादा कर सकते हो इस तरह से, देख सकते हो बिफोर आफ्टर। यहाँ पे इसको सेव कर लेना है। तो अब आपको अपना पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, यहाँ पे ओपन कर लेना है और अपनी फ़ोटो को यहाँ पे ले लेना है, ऐड कर लेना है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे इसके अंदर लाइट वाली पीएनजी, उससे पहले तो ऐड फोटो में जाना है तुम्हारे को। तो यहाँ पे सब पहले इसको ले लेंगे, दो को ले लेंगे, यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको लगाएंगे हम सर के ऊपर इस तरह से, इसका ब्लेंडिंग मोड रखेंगे हम स्क्रीन पे, ठीक है, इस तरह से इसको यहाँ पे लगा देना है, तो छोटा करेंगे इस तरह से, यहाँ लगा देना है, ठीक है। और इसको भी हम ब्लेंड, इसका भी ब्लेंडिंग मोड रखेंगे नीचे, इसको करके स्क्रीन करेंगे इसको भी, इसको ऐसे बड़ा करेंगे और इसके ना हल्का इफेक्ट देंगे बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल हल्का, ठीक है। यहाँ पे हम फर्स्ट डन कर, तो दोबारा से आएंगे ऐड फोटो के अंदर और ये बाकी के दोनों ले लेंगे, इनको भी लाइट्स को यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना दोनों सबको यहाँ से, ठीक है। तो इसको रखेंगे यहाँ पे, यूँ घुमा देंगे इसका, और इसको भी ब्लेंडिंग मोड रखेंगे स्क्रीन पे। तो यहाँ पर इसको हमको, इसको भी मिटाना है ऊपर वाले को, इससे कोई मिटाना है, तो यहाँ पे जाएंगे इरेजर पे, ठीक है, इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, यहाँ से इस तरह से मिटा देंगे ऊपर ऊपर का, ठीक है, यहाँ से डन कर देंगे। उसके बाद आपको दूसरी लाइट ले लेनी है यहाँ पर, ये वाली, इसको भी सेट करना है पहले, दूसरी लाइट इसको ले लेना है यहाँ पे, इसका भी ब्लेंडिंग मोड रखना है यहाँ पे, स्क्रीन बड़ा करना है इस तरह से, हल्का सा सेट देना हल्का सा, ठीक है, यहाँ पे कर देना डन, ठीक है। तो अब आपको करना है यहाँ पे जो रिंग है इसकी हल्की सी लाइट आनी चाहिए यहाँ पे बालों पे, है ना। तो इसके लिए हम करेंगे, यहाँ पे जाएंगे सबसे ऊपर टूल्स में, आप जस्ट में जाएंगे, थोड़ा इसके ब्राइटनेस बढ़ा लेंगे इस तरह से, थोड़ी कॉन्ट्रास्ट बढ़ा लेंगे इस तरह से। यहाँ पे इरेजर पे जाएंगे, यहाँ से पूरा इसको हटा देंगे, इस बाद यहाँ पे क्लिक करके और ब्रश का साइज़ रखेंगे हल्का, जूम करेंगे यहाँ पे, हल्का हल्का पेंट करेंगे इस तरह से, यहाँ डन कर देंगे।
बाकी आप यहाँ पे ब्राइटनेस को बढ़ा के देख सकते हो कितना सही लग रहा है, इतना ठीक लग रहा है। यहाँ से डन कर देना है। ठीक है, तो अब हमको करना है यहाँ पे फेस स्मूथ। तो फेस स्मूथ करने के लिए हम जाते हैं इफेक्ट्स के अंदर। यहाँ पे ब्लर का ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करेंगे। यहाँ से यहाँ पे इसका ब्लर रखेंगे, कम रखेंगे बिल्कुल, इसको 5-6 पे हल्का सा फेड कर देंगे। यहाँ पे जाएंगे इरेजर पर, ऐसे इन्वर्टेड कर देंगे पूरा। यहाँ पे प्रेस का साइज़ रखेंगे छोटा, और यहाँ पे जूम करके इसको स्मूथ करना है। डन कर देना है। आप देख सकते हो बिफोर आफ्टर, मैं दिखाता हूँ एक बार, देख सकते हो पूरा स्मूथ हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे कर देना है डन। ठीक है, अब ऑलमोस्ट आपकी पूरी फोटो एडिट हो चुकी है। तो यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, तो यहाँ जाएंगे हम टेक्स्ट के अंदर, यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख देना है, यहाँ पे डन कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको राइटिंग ले लेना कोई भी, इस तरह से यहाँ पे छोटा कर देना थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे इसको रखना है। ठीक है, यहाँ पे कर देना इसको डन। तो अब हम इसमें थोड़ी फिनिशिंग देंगे फेस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे टूल्स में जाएंगे, एडजस्ट में जाएंगे। ठीक है, हल्की सी ब्राइटनेस बढ़ा लेंगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे इरेजर पे जाएंगे, यहाँ से पूरा हटा देंगे इसको। यानी इसका ब्रश का साइज़ रखेंगे हल्का बिल्कुल, ऑपेसिटी और हार्डनेस कम कर देनी है इस तरह से। ठीक है, और हल्का हल्का पेंट करना है जहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, जहाँ पे ज़्यादा गोरा दिख रहा है तुमको, जैसे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस तरह से बालों पर भी कर देना थोड़ा इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, डन कर देना है। ठीक है, अब हमारी फोटो पूरी एडिट हो चुकी है। अब लास्ट स्टेप इसमें रह जाएगा, हमको शार्पनेस ऐड करनी है। तो हम जाएंगे इफेक्ट्स में, ठीक है, एफएक्स में जाएंगे, और लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा शार्पन का। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे ले लेना है शार्पन वाला, इसको डन कर देना है यहाँ से। ठीक है, तो देख सकते हो आपकी पूरी फोटो में शार्पनेस लग चुकी है बहुत अच्छी तरह से। बिफोर आफ्टर एक बार दिखाता हूँ, देख सकते हो पूरी सब कुछ और लग चुका है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ड्रॉ पे जाके इसको कर लेना सेव। ठीक है, यहाँ पे जाके इसको यहाँ कर लेना सेव इमेज। ठीक है, तो यार आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, शब्बा खैर के।